लेकिन इसके अलावा मुअय्यन शख्स होगा दज्जाल। ये मुअय्यन शख्स जो दज्जाल होगा, इसके बारे में भी एक तो बिल्कुल मुत्तफक अलैह चीजें हैं। नंबर एक, ये वो शख्स है, कतई है, यकीनी है, उसका हुलिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान किया है। दूसरी बात यह कि उसके हाथ में कवानीन कुदरत, गोया के तस्खीर कायनात, गोया के नुक्ते उरूज को पहुंच चुकी है। तमाम इख्तियारात इलाही तकरीबन उसके हाथ में आ चुके हों। जो बड़े से बड़े मौजदे अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं, वो मौजदे करके दिखाएगा, वो मुर्दा को जिंदा करेगा, मुर्दा लोगों की अफवाहों को लेकर आएगा, उनकी रूहों को, अगरचे झूठी रूहें होंगी, वो शयातीन जिन होंगे जो उनका भेष बदल कर आएंगे, लेकिन ये कि वो लोगों से कलाम करेंगे। ये स्पिरिचुअलिज्म जो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है यूरोप में और मगरिब में, ये दर हकीकत उसी का एक मजर। वो खुले बियाबान को कहेगा जहां बिल्कुल जटियल जो है वो सेहरा था, वो लोग गुलजार कर देगा जब चाहेगा, जब चाहेगा, जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा। फासला उसके लिए बेमानी होगा, उसकी सवारी वो होगी कि जिसके दोनों कानों के दरमियान फासला 80 हाथ का होगा। ये सारे जो आज आपकी इस टेक्नोलॉजी की जो इंतहा जा रही है और जिधर जा रही है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आज से 100 साल पहले शायद इंसान इन चीजों का तस्वुर न कर सकता। वो कोई सवारी ऐसी भी हो सकती है जिसके दो कानों के दरमियान का फासला जो है वो 80 हाथ का हो। आपके ये सारे जेट्स जो हैं वो क्या हैं? इनके रडार्स जो लगे हुए हैं, दोनों कान हैं उनके। उसका एक कदम अगर मदीने में होगा तो दूसरा बैतुल मक़दिस में होगा। उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। सुनी जा रही है कि नहीं? ये सारी कुदरत, सारी कुव्वतें, तस्खीर कायनात कुल्लियतन एक आदमी को चीर कर दो टुकड़े करेगा, दोनों टुकड़ों को अलहदा करेगा, उनके दरमियान चलेगा और फिर उन दोनों को जोड़ेगा और खड़ा कर देगा। अहादीस में सारी मौजूद है। सर्जरी जिधर जा रही है कोई अजब नहीं कि वहां तक आदमी पहुंच जाए। फ्रीज करके तो यह मामला अब हो ही सकता है, लेकिन यह कि अभी अगला और कदम क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। ये चीजें तो है मुत्तफकुन अलैह। अलबत्ता कुछ मामलात के अंदर अहादीस में कुछ इख्तलाफ पाया जाता है और ये मुश्किलातुल हदीस में से। और मैं भी चूंकि इस मसले में अब तक भी इसी दर्जे में, अभी कतियत के साथ मैं कोई बात नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन अब चूंकि गुमान गालिब के दर्जे में एक राय तक पहुंच चुका हूं, इसलिए मैंने आज इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए यह उन्वान इख्तियार किया। इसलिए कि हदीस में जो आती है तफासिल, उससे मालूम होता है कि यह दज्जाल दो दलील करेगा। या तो वो दो दलील करने वाले दो दज्जाल अलहदा हैं, या ये दोनों दलील करने वाला शख्स एक ही है। बस ये मसला है कि जो आज तक मुझसे हल नहीं हुआ था, अब तक कहना चाहिए, आज तक नहीं। और ये इसमें उलमा से भी गुफ्तगू हुई है, जिन लोगों ने इस खूब मौजूद पर अपना वक्त लगाया है उनसे भी गुफ्तगू हुई है, तो वो भी इस मसले को हल करने से ताहाल कासिर रहे। लेकिन ये कि अब मेरी राय यह है कि ये दो शख्स हैं अलहदा अलहदा, वल्लाहु आलम। लेकिन एक राय तक मैं पहुंच चुका हूं, इसलिए वो राय आपके सामने रख रहा हूं और आपके जरिए से वो आगे भी फैलेगी, तो अहले इल्म के साथ जो है इस मामले के अंदर तबादले ख्यालात की भी नौबत आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि इसमें ये बात कतई और यकीनी है कि इस तरह का एक शख्स पैदा होगा। अलबत्ता ये कि आया वो दो होंगे दो मुख्तलिफ औकात में, या एक ही होगा एक ही वक्त में, सिर्फ इसमें इख्तलाफ है। मेरे नजदीक वो दो होंगे। एक वो शख्स जो झूठा मसीह होने का दावा करे, अल मसीहुद दज्जाल, जैसे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 दज्जाल उठेंगे जो नबी का दावा करेंगे, जिनमें से 5-6 तो हुजूर के अपने जमाने में और आपसे मुत्तफिली उठ खड़े हुए थे, बाद में मोहम्मद अली बाब हो, बहाउल्लाह हो, कादियानी और नवलू, कहां कहां कौन कौन उठे होंगे, वल्लाहु आलम। इसी तरीके से एक शख्स मसीह होने का दावा करके खड़ा होगा, यहूदी होगा। ये है असल में वो शय। और इसमें जो इन दोनों शख्सियतों के माबेन अगर कोई जरा सा अगर इबहाम रहा है, तो मैं एक हदीस भी नोट करके लाया था, हजरत उबादा इब्न सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु से है, अन रसूलिल्लाह है, इन्नी हद्दस्तुकुम अनिल दज्जाल हत्ता खशीतु अल्लाह ताकिलू, मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, तो मुझे ये गुमान हुआ कि शायद तुम उसे समझ ना पाओ। ये
अंदेशा खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ है और ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। बहरहाल मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं कि मैं इस राय तक पहुंचाऊं कि ये दो अलहदा शख्सियतें हैं। एक तो ये है कि एक मसीहुद दज्जाल खड़ा होगा ये एक दावा करके कि मैं मसीह हूं, क्योंकि इसका जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में खबरदार कर रहा हूं। दूसरा जो मसीह जिसकी शख्सियत मसीह दज्जाल की आती है, दज्जाल अकबर में सिर्फ इशारा करूंगा, फिर कभी इंशाल्लाह इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू होगी, वो मेरे नजदीक बिल्कुल करीब कयामत की एक अलामत है जो खुदाई का दावा करेगा। वो झूठा खुदा होगा, ये झूठा मसीह होगा, अल मसीह दज्जाल, अल दज्जाल अकबर वो होगा कि जो कयामत के बिल्कुल करीब की तीन निशानियां हैं, जबकि वो आ जाएंगी तो हदीस में आता है कि उसके बाद किसी ईमान किसी शख्स के ईमान लाने का तौबा करने का फायदा नहीं होगा। वैसे तो अलामात कयामत जो है उनमें सबसे पहली मैंने बताया था हुजूर की बेसत खुद अलामात में से, उसके बाद 10 अलामतें हुजूर ने गिनवाई हैं और वो तदरीजन पूरी होती चली जाएंगी। आखिरी अलामात के लिए हदीस सुन लीजिए, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانا لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابة الارض। तीन निशानियां वो हैं कि जब वो जाहिर हो जाएंगी तो फिर किसी का ईमान लाना मुफीद नहीं होगा जो पहले ईमान नहीं लाया था या जिसने इससे कबल अपने ईमान में कुछ आमाल सालिहा की कमाई नहीं की थी, यानी गोया के तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जैसे जब मौत के आसार शुरू हो जाते हैं तो तौबा का दरवाजा इंसान के लिए बंद, अब जब मौत के आसार शुरू हो गए अब तौबा करना फायदा नहीं, उससे पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ। मालम यगरगर, जबकि वो मौत के आसार शुरू हो जाते हैं, घुंघरू बोलना शुरू हो जाता है, मालूम होता कि अब जा रहा है, अब तौबा बेकार। इसी तरीके से पूरी नौ इंसानी के लिए तौबा का दरवाजा बंद होगा एक वक्त में आकर, अब किसी के लिए तौबा नहीं, ईमान नहीं। और उसके लिए तीन अलामतें बयान हुई हैं, यह भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आपने फरमाया तीन चीजें वो हैं कि जब वो जाहिर हो गईं तो फिर किसी का ईमान लाना जो उससे पहले ईमान नहीं लाया था और अपने ईमान में उसने कुछ आमाल सालिहा की कमाई नहीं की थी, अब कतल मुफीद नहीं होगा उसके लिए ईमान लाना। वो तीन निशानियां हैं, तुलू शम्स मिनल मगरिब, सूरज मगरिब से तुलू होगा, निजाम शमसी में कोई इख्तलाल ऐसा होगा कि जिससे सूरज बजाय मगरिब से निकलेगा, वो खुरूज दज्जाल वदाबत अल-अर्ज, एक जमीन से कोई चौपाया बरामद होगा। बाद अहादीस में आता है कि मरवा के करीब से वो बरामद होगा जो गुफ्तगू करेगा इंसानों से, कि बिल्कुल खर्क़े आदत, यानी वो चीजें कि जिनका कोई ताल्लुक अब असबाब जो है दुनिया के उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फिजिकल लॉ से ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल मौजज़े होंगे, खर्क़े आदत होगा। और खुरूज दज्जाल, वो दज्जाल जो खुदाई का दावा करेगा, और हदीस में आता है कि बहुत कम लोग होंगे कि जो उसके सामने रुक सकेंगे, अक्सर व बेशतर जो कमजोर ईमान वाले लोग होंगे वो उसे खुदा तस्लीम करके उसकी परस्तिश शुरू कर दें। मेरे नजदीक ये आखिरी छलनी होगी जो लगाई जाएगी अहले ईमान को एक तरफ करने की, और ये कयामत की निशानियों में से आखिरी निशानियों में से है।